Uh, मैं टर्नोपिल में पढ़ रही थी टर्नोपल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी थर्ड hmm. ईयर में और uh, तो वापस आए हम लोग वापस यहाँ पे तो मैं कल ही आई हूँ शाम में hmm. बट हम वहाँ से निकल गए थे टर्नोपल से ट्वेंटी फाइव की रात को hmm. हमने अपनी प्राइवेट बस बुक की थी निकलने के लिए hmm. जिसमें अराउंड फिफ्टी सेवन बच्चे थे तो हम लोग निकले थे शाइनी मेदुका बॉर्डर के लिए जब पोलैंड का बॉर्डर है तो कब आपको हालात बिगड़े पता चला था आपको? जब फर्स्ट की ब्लास्ट हुआ जो मॉर्निंग स्ट्राइक हुआ था वो हमें जैसे ही पता चला तो वैसे ही हमारी यूनिवर्स उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी और सारे जो हमें मतलब किसी ने हमें पैनिक किया फिर ये नहीं किया कि हमें खतरा है या फिर ये सब ने बोला सेफ़ है वॉर नहीं होगा जाने की घर ज़रूरत नहीं है ऑफलाइन क्लासेस चल रही थी हमारी तो हम लोग इसलिए नहीं निकले वहाँ से पर जैसे कि में फ़र्स्ट ब्लास्ट हुआ तुरंत यूनिवर्सिटी ऑनलाइन कर दिया यूनिवर्सिटी ने बोला आप लोग निकल जाओ और हमने सोचा अब तो वॉर स्टार्ट हो गई अब ये लोग हमें निकलने के लिए बोल रहे हैं अगर हमारी सेफ्टी का होता तो हमें पहले से ही वार्निंग करके निकाल दिया जाता वहाँ से बट वो नहीं हुआ तो फिर फर्स्ट कीव का ब्लास्ट हुआ और उसके बाद हम पता चल गया वॉर स्टार्ट हो गई तो हमने सोचा अब हमें यहाँ से जाना पड़ेगा तो देन वी स्टार्टेड मेकिंग प्लान जाने के लिए वहाँ से ट्वेंटी फाइव की रात को हम वहाँ से निकले हैं बस से और लवीव क्रॉस करने के बाद शनानी है एक जगह वहाँ पे हमको बस ने उतार दिया और बस ने हमें ऑलमोस्ट चालीस किलोमीटर पहले उतारा और हम लोग उतरे हमने पहले तो बस ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि हम इतना नहीं चल पाएंगे क्योंकि सुबह बज सुबह के तीन चार बज रहे थे और बहुत ठंडा क्लाइमेट था तो हमने उनको बोला कि हम बच्चे हैं हम नहीं चल पाएंगे इतना प्लीज़ थोड़ा सा और आगे ले चलो हमें पर बस ड्राइवर उतर के चला गया वो बोला मैं जाऊँगा ही नहीं इससे आगे तो हमने फिर हमने सोचा अब हम इसको कुछ कर नहीं सकते हैं तो हम लोग उतर गए सब बच्चे और हमने वॉक करना स्टार्ट किया फिर हम लोग पूरी रात हम लोग वॉक करते रहे पहले तो हम लोग ठीक थे हम लोग सोचे चलो पहुंच जाएंगे पहुंच जाएंगे बट धीरे धीरे सारे बच्चे थकते गए और जिन बच्चों के पास बहुत सारा सामान था ट्रॉलीज़ थी बड़ी बड़ी उनकी उन्होंने सब रास्ते में छोड़ दिया अपना सामान क्योंकि आगे कैरी ही नहीं कर पा रहे थे हम लोग कुछ भी जी. फिर हम पूरी रात चले हैं हमने इवन लोकल जो लोग थे वहाँ पर ऐसे गाड़ियों की ना लाइन लगी हुई है बॉर्डर तक लोकल लोगों की जो क्रॉस कर रहे हैं अपनी कार से ओन व्हीकल से तो उन्होंने हीटर्स वगैरह अपनी कार में चला रखे हैं और अपना फूड सप्लाई भर रखा है तो हमने उनसे हेल्प मांगी बहुत सारी कार से कि हमको थोड़ा सा दस पंद्रह मिनट के लिए बैठने दो अंदर बहुत ठंडी है बाहर बट हमें वहाँ पे भी किसी ने लोकल लोगों ने किसी ने हेल्प नहीं की किसी ने हमको बैठ बैठने नहीं दिया तो हम लोग पूरी रात ठंडी में चलते रहे हैं पूरा दिन हम लोग चले हैं फिर शाम को पाँच बजे के अराउंड पाँच छः बजे के अराउंड हम लोग फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुँचे बॉर्डर के पचास किलोमीटर चलने के बाद और फिर वो फिर हम फर्स्ट चेक पॉइंट पे पहुँचे तो हमें लगा कि बस अब ये शायद क्रॉस करना होगा इसके आगे ही होगा बस हो गया इतना ही था फिर हम फर्स्ट चेक पॉइंट पर हम बैठे रहे तो हम जैसे ही फर्स्ट चेक तो बच्चे हमने देखा मेरी यूनिवर्सिटी के बच्चे सब वापस जा रहे थे टर्नोपिल तो हम लोग घबरा गए कि हम इतना चल के आए और ये लोग तो वापस जा रहे हैं बच्चे तो बच्चे क्योंकि गिवअप कर चुके थे बहुत बच्चे तीन तीन दिन तक बॉर्डर पर रह के वापस गए हैं ये एम्बेसी ने तो बोल दिया बच्चे आएंगे हम हेल्प करेंगे बॉर्डर पे बच्चे बॉर्डर पे आके वापस जा रहे हैं जिस जगह से वो लोग आए हैं उनको ये वेदर वेदर इतना ख़राब लग रहा है कि उनको लग रहा है बम्बार्डमेंट ज़्यादा ठीक है बंकर में रह लेंगे पर ये ऐसे क्लाइमेट में नहीं रह पाएंगे हम लोग तो बच्चे वापस जा रहे थे तो हमने सोचा अब हम भी अपना ट्राई कर लेते हैं तो हम लोग आगे गए बॉर्डर उस टाइम पे क्लोज था तो हमने सोचा हम रात में रुक लेते हैं यहाँ पे क्या पता सुबह खुल जाए बॉर्डर पर होपफुली बॉर्डर एक घंटे बाद ही खुल गया तो हम लोग गए हम बॉर्डर के अंदर हमें उन्होंने बस थोड़ा सा हम बॉर्डर के अंदर गए उन्होंने हमें वहीं पर खड़ा कर दिया तो हमें लगा आप क्रॉस करवाएंगे आप क्रॉस पर यूक्रेन सोल्जर्स ने हमें क्रॉस नहीं करने दिया हम वहीं पर खड़े रहे पूरी रात ना हमारे पास शेल्टर था ना हमारे पास ब्लैंकेट थी किसी बच्चे के पास खाना नहीं था पानी नहीं था सब बच्चे ऐसे ही बैठे हुए थे ना आग थी वहाँ पे कुछ नहीं इवन जो वहाँ पे ना एक बगल में पेट्रोल पंप था उसमें चार्जिंग पॉइंट था मैं और मेरी फ्रेंड हम लोग चार्जिंग पॉइंट अपना चार्ज करने फ़ोन गए कि फैमिली को बता दें उन्होंने हमें फ़ोन तक नहीं चार्ज करने दिया हमारा पता नहीं क्या हो जाता उससे अगर फ़ोन चार्ज करने तो फ़ोन तक नहीं चार्ज करने दिया फिर हमने सोचा छोड़ो ये हमें कुछ नहीं करने देंगे हम बस टॉर्चर करने के लिए इन्होंने बिठा रखा है यहाँ पे तो हम लोग पूरी रात हमने रोड पे बिताई पूरी रात ठंडी पड़ रही थी और वो बार बार हमें खड़ा कर रहे थे कि अब क्रॉस करने देंगे फिर क्रॉस नहीं करने देते थे फिर बार बार, बार बच्चे फिर एक पॉइंट के बाद सुबह बच्चे बिल्कुल अग्रेसिव हो गए क्योंकि क्योंकि हमारे सामने वो लोग गन गन रीलोड कर रहे हैं इवन मेरा हाथ पकड़ के एक सोल्जर ने मुझे ऐसे बैक कर दिया और हम फिर बच्चों ने सोचा कि हमें आगे कैसे भी करके बढ़ना है क्योंकि हमारी हेल्प करने कोई नहीं आ पाएगा यहाँ पे तो उन्होंने बच्चों को डराने के लिए फिर ऊपर एयर में गन शॉट्स करने लग गए वो लोग कि ये लोग डरेंगे फिर जब उन्होंने ये सब कर दिया तो बच्चे को पता चल गया कि ये क्रॉस नहीं करने देंगे हमें तो बच्चे आके बैठ गए हम पूरी रात फिर बैठे रहे सुबह हम लोग बैठे रहे फिर सुबह उन्होंने शायद एम्बेसी से किसी से उनको आया होगा फोर्स कि क्रॉस करने दो तो उन्होंने हमें सुबह के टाइम थोड़े बच्चों ने क्रॉस किया पर मैंने उस टाइम नहीं क्रॉस किया क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं बॉर्डर से निकल के चली गई थी क्योंकि मैं बहुत थक चुकी थी और मैं गिव अप कर चुकी थी ऑलमोस्ट कि मेरे से नहीं क्रॉस होगा ये बॉर्डर तो मैं जाने वाली थी वापस टर्नों पर तो मैं कैब में बैठी हुई थी कि अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती मैं कैब में बैठी हुई थी फिर जैसे ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने शायद क्रॉस किया तो उन्होंने कॉल किया कि खुल गया बॉर्डर क्रॉस करने दे रहे हैं तो हम लोग फटाफट उतरे मैं और मेरी फ्रेंड और हम लोग गए बॉर्डर की तरफ क्या पे हम भी क्रॉस फिर हमें पूरा दिन फिर से पाँच बजे तक उन्होंने बिठा के रखा क्रॉस नहीं करने दिया Uh, हम लोग बैठ फिर उन्होंने हमें फिर से ग्रुप्स बनाए एक एक सोल्जर एक एक ग्रुप के साथ उन्होंने रखा और पाँच छः घंटे में हम मुश्किल से सौ मीटर चले होंगे थोड़ा सा आगे ले जाते थे बिठा देते थे दो दो घंटे उसी जगह पे हम रोड पे बैठे हुए हैं और आगे नहीं हमें बढ़ा रहे हैं तो मेरे को तो लगा अब जिन बच्चों ने क्रॉस कर लिया उन्होंने तो क्रॉस कर लिया पर जो हम पीछे रह गए अब फिर से ये वही नाटक करेंगे हमारे साथ रात वाला और हमें क्रॉस नहीं करने देंगे तो पर उन्होंने फार्चुनेटली हमें तीन चार बजे के राउंड आए उन्होंने शाम के टाइम के राउंड हमें छोड़ दिया कि जाओ आप तुम लोग फिर उस फर्स्ट चेक पॉइंट से सेकेंड चेक पॉइंट पाँच से छः किलोमीटर दूर है तो हम वो फिर से हमने वॉकिंग डिस्टेंस वो किया हम लोग चल के गए सेकेंड चेक पॉइंट तक तो फर्स्ट जब मैं चेक पॉइंट पे गई तो मैंने देखा कोई लड़कियां नहीं हैं यहाँ पे जहाँ पे लाइन लगी हुई थी उस लड़ उस लाइन में कोई लड़कियां नहीं थी तो हमें एक भैया ने बोला कि लड़कियाँ ऐसी आगे जा रही हैं उनको लाइन लगाने की ज़रूरत नहीं आप सीधा निकल जाओ तो हम लोग निकले और हमने देखा बहुत लंबी लाइन थी पाँच किलोमीटर कितनी लंबी लाइन थी हम उसमें आगे जाते गए जाते गए पूरे इंडियन लड़के बाहर के लड़के सब लड़के खड़े थे और हम आगे गए मेरे फर्स्ट फिर वो आगे क्रॉस करने के बाद हमें एग्ज़िट का स्टैम्प लगवाना था तो वहाँ पे भी आगे जाके भी लाइन थी जो जो बच्चे क्रॉस कर गए थे उनके लिए लाइन थी तो हम वो खड़े रहे वहाँ पे फिर वो लाइन में भी हम पूरी रात खड़े रहे और हम उसमें लाइन में तो इतना ज़्यादा बुरा हुआ है मतलब धक्का मुक्की हो रही थी बच्चों के ऊपर चढ़ रहे थे दूसरे सिटीजन्स दूसरी कंट्री के और फिर फिर सोल्जर्स ने सोचा कि लड़कियों को निकाल देना चाहिए तो उन्होंने बोला ऑल वीमेंस मतलब सब क्रॉस कर सकते तो हमें उन्होंने अलग करने की कोशिश की फिर उन्होंने लड़कियों को धीरे धीरे निकाला फिर फर्स्ट एग्ज़िट लगा फिर फर्स्ट एग्ज़िट के बाद मैं पोलैंड के अंदर एंटर कर गई और पोलैंड के बाद एंटर करने के बाद जैसे हम थोड़ा सा और चले तो हमें इमिग्रेशन का स्टैम्प लगवाना था वहाँ पे तो उसमें भी उसमें जो रात में हम लोग छूटे थे उसमें सुबह का टाइम पूरा चला गया और हम वहीं पे थे और फिर मैं वहीं पे खड़े रहे हम लोग बहुत देर तक वहाँ पे तो और ज़्यादा बुरा हाल था लड़के बहुत मिसबिहेव कर रहे थे दूसरी कंट्रीज़ के उन्होंने दारू पी रखी थी और ड्रग्स पी रखे थे और लड़कियों के ऊपर चढ़ रहे थे लड़कियाँ रो रही थी चीख रही थी इवन मेरी फ्रेंड है उसने एम्बेसी में कॉल किया कि सर हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा है प्लीज़ हमें निकाल लो यहाँ से सर ने बोला बेटा हम अंदर नहीं आ सकते आप प्लीज़ हिम्मत रखो और जैसे तैसे करके निकल लो वहाँ से फिर तो लड़कियों ने फिर जैसे तैसे करके फिर वो पोलिस जो ऑफिसर थे उन्होंने लड़कियों उन्हों को वो किया प्रायोरिटी कि इनको आगे निकालो तो हम लोग फिर वहाँ से आगे निकले हमने स्टैम्प लगवाया इमिग्रेशन का और उसके बाद हम थोड़ा सा और 500-600 मीटर चले होंगे और वहाँ पे एम्बेसी का कैंप था एमबेसी के कैंप में उन्होंने हमें हम लोग जैसे कि उन्होंने हमने नाम वगैरह लिया और उन्होंने हमें बस में बिठाया बस में बिठा के उन्होंने होटल रखा हुआ था पोलैंड में वहाँ हमें लेके गए वहाँ पे हमें मेडिकल ट्रीटमेंट दिया उन्होंने क्योंकि मेरे पैरों में पूरे छाले हो चुके थे पूरे बर्बाद हो गए थे तो उन्होंने वहाँ पर हमें बहुत अच्छे से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया डॉक्टर्स थे और रहने की जगह थी खाना पीना दिया फिर हमने एक रात वहाँ गुजारी फिर नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी और मैं ये जो इंडिगो वाली फ्लाइट कल आई हूँ वहाँ पर वहाँ से तो अब क्या जो हालात बने हुए कितने छात्र छात्र बहुत है बहुत ज्यादा हैं वहाँ पे अभी बच्चे क्योंकि अगर कल सिर्फ 500 सौ बच्चे आए हैं फ्लाइट से पोलैंड से और आज अभी और आ रहे होंगे और गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ पे बीस बच्च, हजार बच्चे हैं तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर बीस हज़ार बच्चे हैं और अभी तक सिर्फ हज़ार बच्चे आए हैं दो हज़ार बच्चे आए हैं तो आप सोच सकते हो अभी तक अठारह सत्रह हज़ार बच्चे तो फंसे हुए हैं ना उनका क्या होगा तो अगर गवर्नमेंट सोच रही है कि हर बच्चा बॉर्डर क्रॉस करके पहुंच जाएगा तो नहीं होगा ये पॉसिबल बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि कुछ कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको मेडिकल मेडिकल की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है जिनको जो बीमार हैं तो ऐसे नहीं कर पाएंगे बच्चे क्रॉस तो उनको जो और और जो खारखी व बाकी जगह पे बच्चे फंसे हुए हैं जहाँ पे रशियन आर्मी इन्वेजन हो चुका है जहाँ पे रशियन आर्मी अटैक कर रही है वहाँ पे तो उनको बसेस भेजनी होंगी कुछ लोग भेजने होंगे इंडिया के जो वहाँ पे जाके उन बच्चों को अच्छे से लेके आ पाए वरना बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे क्योंकि बच्चे मेट्रो स्टेशन में फंसे हुए हैं बंकर्स में फंसे हुए हैं हर जगह पे फंसे हुए हैं नहीं पहुंच पाएंगे और ऊपर से बसेस नहीं मिल रही हैं वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका है तो अगर से नहीं मिलेंगी तो खारखी से चल के तो पोलैंड बच्चे नहीं पहुंच पाएंगे मेरा तो फिर भी थोड़ा था तो मैं फिर भी पहुंच गई वहां से तो बहुत दूर है तो अगर आप तो अगर आप अभी हमारा फ्यूचर वहीं पे है अभी इंडिया में तो हमको प्रिविलेज नहीं मिला सीट्स नहीं मिली प्राइवेट में बहुत फीस थी इतनी फीस मिडिल क्लास लोग भर ही नहीं सकते हैं यूक्रेन में उससे कम फीस थी इसलिए हमने यूक्रेन ऑप्ट किया सेफ कंट्री थी यूक्रेन इतनी बुरी नहीं थी हम लोग वहाँ पे थे अब मैंने अभी मैं तीन साल पढ़ चुकी हूँ वहाँ पे अब मैं एम बी बी एस बीच में छोड़ दूंगी तो मेरा क्या होगा कहाँ जाऊंगी नो no फ्यूचर तो वापस तो मुझे जाना ही पड़ेगा लेकिन सरकार कह रही है कि यहीं पर प्रबंध करेंगे जैसे सामने लगता है ऐसे हो सकता है सरकार प्रबंध हो तो उन्होंने बोला था वो बच्चों को भी निकाल रहे हैं पर निकाल रहे हैं क्या

हाँ रूस की डिग्री मिलेगी वैसे रूस में भी बच्चे पढ़ रहे हैं रशिया में अच्छा हाँ रशिया में बच्चे पढ़ रहे हैं एम सी आई अप्रूव्ड होती है हमारी यूनिवर्सिटी तो अगर एम सी आई अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी होती है तो रशिया हो यूक्रेन हो हमको डिग्री मिल जाती है पर अभी हमें पता नहीं क्या सिचुएशन होने वाली है आगे छः महीने की और एम बी बी एस ऐसी डिग्री नहीं है जिसको आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो बाकी डिग्रीज को आप फिर भी शायद कर दो बट एम बी बी एस नहीं हो सकती ऑनलाइन तो हमें वापस तो जाना ही पड़ेगा किसी पॉइंट पे तो होपफुली जल्द से जल्द ये रिजॉल्व हो जाए या फिर गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट हमारे लिए बच्चों के लिए कुछ करे ताकि हमारी जो पढ़ाई हम जो बीच में फंस गए हैं वो हम कंटिन्यू कर पाएँ